मैं दया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पर रीजनिंग की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये टेस्ट सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, 22 या 23 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा ग्राम विकास अधिकारी का, तो अभी समय बहुत कम बचा है और आपको तैयारी काफ़ी तेज़ करनी होगी। तो रीजनिंग के कुछ मैंने डिटेल्स वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो अभी क्योंकि समय कम बचा है, डिटेल वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो संडे को ही मैं ज़्यादातर डिटेल्ड वीडियो बना पाता हूँ। तो मैंने इसीलिए सोचा कि टेस्ट सीरीज़ में जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं डेली 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ डेली आपसे सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम मैं ऑफिस से आने के बाद दे सकता हूँ। तो इसमें अलग अलग टॉपिक से जो ग्राम विकास अधिकारी में या इस तरह की और भी जो परीक्षाएं इस लेवल की होती हैं उनमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस उन सभी तरह के क्वेश्चनों को मैं रेंडमली शामिल करके डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा आपसे। और इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाद में उसका सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही आपको, और बाद में वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ग्राम विकास अधिकारी के लिए अप्लाई किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली 15 क्वेश्चंस की सीरीज आपको एग्ज़ाम तक मिलेंगी और आप डेली सॉल्व करेंगे तो आपकी रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और रीजनिंग में आप 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो मुझे लगता है आप 50 में 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे या फिर 50 के आसपास 49 या 48 कम से कम सही करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो कोई अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन है, विशाल 8 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है, अब विशाल का मुंह किस तरफ है। तो दोस्तों, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं हम लोग। ये ऊपर की तरफ हो जाता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और दाईं तरफ पूर्व, और बाईं तरफ पश्चिम। तो क्या दिया गया है, विशाल 8 किलोमीटर पूर्व में जाता है। विशाल ये पॉइंट है ए, यहाँ से 8 किलोमीटर पूर्व यानी दाईं तरफ चलता है तो यहाँ पे पहुँचता है बी पे, ये 8 किलोमीटर। फिर क्या दिया गया है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अगर ये पूर्व की ओर जा रहा है ऐसे तो बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की तरफ जाएगा और दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ, तो यानी कि ये बाएं मुड़ रहा है तो 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला और पहुंच गया ये सी पॉइंट पे मान लेते हैं। और फिर दिया गया है घड़ी के चलने की दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है, तो मान लीजिए इस जगह पर है और यहाँ से वो 270 डिग्री घड़ी के चलने की दिशा में घूम जाता है, तो घड़ी दाएं से बाएं की तरफ चलती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो गया, सीधी लाइन हो गई ना, तो ये हो गया 180 डिग्री और इसके बाद 180 प्लस 90 होता है 270, 90 डिग्री ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री हो गया और 90 और ये हो गया 90 90 90 180 और 180 ये हो गया टोटल और ये इतना हो गया 90, तो 180 और 90 हो गया 270, यानी कि उस वो इस तरफ मुँह कर लिया इधर की तरफ, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये होगी पश्चिम। तो अब विशाल का मुँह किस तरफ है, तो इस इधर की तरफ मुँह हो गया है पश्चिम की तरफ, यानी कि इसका मुंह पश्चिम की तरफ है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश और सुरेश भाई हैं,
धर्मेंद्र रमेश के पिता हैं, सुनीता सुरेश के एकमात्र भाई की पत्नी है, सपना सुनीता की बेटी है, सपना धर्मेंद्र से कैसे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन है, आप इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो जो रिश्ते दिए गए हैं उनको कैसे प्रदर्शित करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में दिया गया है ए बी का भाई है, तो हम लोग इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर जो मेल होता है उसके ऊपर हम लोग प्लस लिखते हैं और जो फीमेल होता है उसके ऊपर हम लोग माइनस लिखते हैं। तो ए के बारे में बताया गया ए बी का भाई है, तो ए के बारे में हमें पता है वो भाई है, तो यानी कि मेल होगा, तो हम लोगों ने इसके ऊपर प्लस लिख दिया। और बी का भाई है तो बी के बारे में नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे अभी। और मान लीजिए दिया गया है ए बी का पति है, तो अगर पति पत्नी का रिश्ता हो तो वहाँ पे हम लोग डबल लाइन खींच देंगे, तो ए पति है यानी ये मेल है और बी पत्नी है तो यानी ये फीमेल है। और अगर दिया गया है कि ए बी का पिता है तो वहाँ पर ए और बी को नीचे लिखेंगे, जो ए के बाद वाली जनरेशन है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। सेम जनरेशन होती तो हम लोग सेम लाइन में लिखते हैं, बाद वाली जो जनरेशन होगी उसको नीचे लिखेंगे, और जो इससे पहले वाली जनरेशन होगी उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो मान लीजिए ए बी का पिता है तो बी नीचे रहेगा, बी इसका बेटा है या बेटी है जो भी हो, और ए पिता है तो इसके आगे हम लोग इसके ऊपर प्लस लिख देंगे क्योंकि इसके बारे में मालूम है बी सॉरी ये पुरुष है, और बी के बारे में हमें नहीं कंफर्म है ये बेटा है या बेटी है। और मान लीजिए दिया गया है कि ए सी का बेटा है तो सी ऊपर रहेगा और ये ए प्लस में है, सी उसकी ए की माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है, माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। में दिया गया है रमेश और सुरेश भाई हैं, तो रमेश और सुरेश भाई हैं, दोनों पुरुष हैं, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है पुरुष हैं। और धर्मेंद्र रमेश के पिता हैं, धर्मेंद्र किसके पिता हैं, रमेश के, तो धर्मेंद्र को हम लोग ऐसे लिखेंगे ऊपर की तरफ, धर्मेंद्र रमेश के पिता हैं, सुनीता सुरेश के एकमात्र भाई की पत्नी है, तो सुनीता जो है सुरेश का एकमात्र भाई, तो सुरेश और रमेश दो भाई हैं, तो एकमात्र भाई यानी इसके अलावा और कोई भाई नहीं है, तो यानी कि रमेश ही उसका एकमात्र भाई है और सुनीता उसकी पत्नी है, तो सुनीता को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे सुनीता। यहाँ माइनस या प्लस लगाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, अगर ए या बी ऐसा कुछ दिया गया होता है ए बी सी डी तो वहाँ पे माइनस प्लस हम लोग लगाते जाते। और सपना सुनीता की बेटी है, और सपना सुनीता की बेटी है तो बेटी है तो हम लोग इसको नीचे लिखेंगे, सपना बेटी हो गई। अब सपना धर्मेंद्र से कैसे संबंधित है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, धर्मेंद्र का बेटा रमेश है, रमेश की पत्नी है सुनीता, तो उसकी बेटी है सपना, तो ये धर्मेंद्र की कौन होगी, ये धर्मेंद्र के बेटे और बहू की बेटी है यानी कि पोती है उनकी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्लॉक का, इसमें पूछा गया है 5:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अंतः कोण कितने अंश का बनेगा, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा हमेशा, वो है m इंटू 11 प्लस
सॉरी 11 अपॉन 2 माइनस एच इंटू 30। तो यहाँ पे एम का मतलब होता है मिनट और एच का मतलब होता है घंटा आवर। तो यहाँ पे वैल्यूज हम लोग रखते हैं, मिनट की जगह पे 45 रखेंगे, 45 इंटू 11 अपॉन 2 माइनस, और आवर की जगह पे 5 रखेंगे, 5 इंटू 30। तो 45 इंटू 11 करेंगे 11, 25, 55, 11, 4, 44, 5, 49, 495 बटे 2 माइनस 150। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 495 माइनस 150 गुणे 2 300। तो ये बचेगा 495 से 300 जाएगा, बचेगा 195 अपॉन 2। तो इसको हम लोग भाग देंगे 2 से 195 का, तो आएगा 97.5। तो ये 5:45 पर जो घंटे और मिनट की सुई है उसके बीच जो कोण होगा वो 97.5 आएगा। और इसमें पूछा गया अंतः कोण कितने अंश का बनेगा। तो दोस्तों अंतः कोण क्या होता है, अगर 180 डिग्री से कम है तो वो अंतः कोण होता है, और 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो बाह्य कोण होता है। मान लीजिए ये घड़ी है और इसमें पाँच 45 बज रहा है, तो 9 पे मिनट की सुई होगी और 5 की सुई थोड़ा सा इधर होगी। तो ये जो कोण बन रहा है ये अंतः कोण होता है, और ये जो कोण बन रहा है वो बाह्य कोण होता है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और ये 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री कब होता है, जब ये लाइन पूरी सीधी होती है तब वो 180 डिग्री होता है। अब इससे थोड़ा सा भी इधर सुई होगी तो वो अंतः कोण बनेगा और इधर की तरफ बाह्य कोण। अगर ये सुई मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ पे कहीं होती और घंटे की सुई यहाँ पे, तो अंतः कोण उसका इधर बनता और इधर बाह्य कोण बनता। तो अगर अंतः कोण आपको पता है, क्योंकि 97.5 है, ठीक है, 180 से कम है इसलिए ये अंतः कोण है। अगर मान लीजिए बाह्य कोण पूछा गया होता तो बाह्य कोण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि घड़ी की सुई जब यहाँ से मतलब पूरा एक चक्कर लगा करके दोबारा यहाँ वापस आती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ये पूरा एक राउंड हो जाता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हमें ये कोण पता है तो इस कोण को निकालने के लिए हमें 360 से माइनस करना होगा। मान लीजिए बाह्य कोण पूछा गया होता तो हम 97.5 को 360 से माइनस कर देते तो ये बाह्य कोण आ जाता, जो भी आंसर आता वो बाह्य कोण होता। अगला जो क्वेश्चन है वो है लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे दो दो अल्फ़ाबेट के सेट्स दिए गए हैं, जेड ए एक्स सी टी जी एन एम, और आगे क्वेश्चन मार्क है जिसमें बताने हैं कौन से दो अल्फ़ाबेट होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जेड है और ए, तो यहाँ पे जेड और ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होती है उसमें दो तीन चीज़ें आपको याद रखना होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट होगा और कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। अगर हम शुरुआत से काउंटिंग करें और नीचे की तरफ से काउंटिंग करें तो कितने नंबर पे आता है। तो इसके लिए आप याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्ज़ाम में क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नोट कर लीजिए ए से लेकर के जेड तक, और इस तरह से लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिखिए बाएं से दाएं,
और साथ में नंबर्स भी लिखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो उसके बाद जो 13वां अक्षर है एम, उसके बाद जो है आपको इधर से इधर की तरफ लिखना है, दाएं से बाएं की तरफ। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे जेड तक लिखते जाएंगे, और नंबर भी इसी तरह से दाएं से बाएं 26 तक लिख लेंगे। अब इसमें आपको जब अपोजिट जानना है किसी भी अल्फ़ाबेट का, तो ए का अपोजिट हो गया जेड, बी का अपोजिट हो गया वाई, सी का एक्स, मतलब जो एक साथ है, मतलब ऊपर नीचे जो भी अल्फ़ाबेट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और कौन सा किस नंबर पे है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डी किस नंबर पे है? 4 नंबर पे। जी किस नंबर पे? 7 नंबर पे। ये अगर हम शुरुआत से देखें तब फिर, और अगर आप उल्टी तरफ से देखें तो जी किस नंबर पे है? 20 नंबर पे। और एफ किस नंबर पे है? 21 नंबर पे, अगर हम जेड से काउंटिंग करते हैं। इसी तरह से एक्स जो है 24वें नंबर पे है, अगर हम उल्टी तरफ से देखेंगे तो 3रे नंबर पे है। जेड वाई एक्स ये 3रे नंबर पे है। तो इस तरह से हम आराम से जान सकते हैं कौन किस नंबर पे आ रहा है, सीधी तरफ से भी उल्टी भी तरफ से भी, और कौन किसका अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेड ए एक दूसरे का अपोजिट है, जेड ए, एक्स सी भी एक दूसरे का अपोजिट है, टी जी। और इसके अलावा यहाँ पे सीरीज में क्या हो रहा है, जेड के बाद हो गया एक्स, तो जेड कितने नंबर पे? 26, और एक्स है 24 नंबर पे। तो 26 से 24 हो गया, यानी 2 लेस हुआ। फिर एक्स से हो गया टी, एक्स से टी हो गया। अभी हम जो दो अल्फाबेट का सेट है, तो पहला जो उसका अल्फाबेट है उसको लेके चल रहे हैं। तो एक्स से हो गया टी, एक्स कितने नंबर पे है? 24, और टी कितने नंबर पे है? ये 20 नंबर पे है। 24 से 20 हो गया, यानी 4 लेस हुआ। और इसी तरह से टी 20 पे है, टी से हो गया एन, टी से एन हो गया, 20 पे था 14 हो गया, यानी 6 लेस हुआ। तो आप देख रहे हैं 2 लेस हो रहा है, 4 फिर 6, तो दो दो का अंक छोड़ करके लेस हो रहा है। तो यानी कि अब कितना लेस होगा, यानी कि अब 8 डिजिट लेस होगा। तो एन से एन कितने नंबर पे है? 14 पे। 14 से 8 डिजिट लेस करेंगे तो कौन सी संख्या होगी? 14 माइनस 8 होता है 6। तो 6 नंबर पे जो भी आ रहा होगा, 6 नंबर पे आ रहा है एफ। तो यहाँ पे जो पहला अल्फाबेट होगा वो कौन सा होगा? एफ। और इसी तरह से दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं जेड के साथ अपोजिट वाला आया है। तो यहाँ पे भी एफ के साथ जो अपोजिट वाला आएगा वही एफ के साथ होगा। एफ का अपोजिट कौन है? यू। तो यानी कि जो खाली स्थान है वहाँ पे एफ यू होगा। तो एफ यू इसमें से कौन सा है? ये सी जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5वां, यदि ए का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ है घटाना, और डी का अर्थ है जोड़, और बी का अर्थ है भाग, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो ए बी सी डी ये सब है इसको हम पहले चिन्हों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले है 76, तो यहाँ पे 76 लिखेंगे। फिर है सी, सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और फिर है 54, 54 लिख लिया। फिर डी है, डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर 210 है, 210 लिखेंगे। और फिर बी है, बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे। और फिर है 3, फिर है ए, ए का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर है 15। तो अब ये इक्वेशन आ गई हम लोग के पास, तो इसी को सॉल्व करना है। तो बोर्ड में इसका रूल आप जानते ही होंगे, उसी के थ्रू तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बोर्ड में इसमें पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो 210 को 3 से डिवाइड करके इसको लिखते हैं, तो 76 माइनस 54 प्लस 210 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 7 21 यानी 70 और इसके बाद है इंटू 15। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 76 माइनस 54 प्लस 70 इंटू 15 है, तो 70 इंटू 15 को क्या लिखेंगे, 15 7 105, 105 और ये 0 लिख लेंगे, ये हो गया। अब 1050 में ये 76 जोड़ देंगे जो प्लस वाला है, तो 1050 और 76 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1126 और बचेगा माइनस 54। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1126 में से जब 54 जाएगा तो कितना होगा, ये 1072 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, बी है 1072, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो लुप्त पद ज्ञात करना है, नंबर सीरीज दी गई है तो इसमें आगे की सीरीज क्या होगी वो हमें बताना है। तो दोस्तों नंबर सीरीज में या तो एक सीरीज चल रही होती है, कभी नंबर्स प्लस हो रहे होते हैं, कभी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, कभी स्क्वायर हो रहा होता है, कभी प्लस के साथ मल्टीप्लाई या माइनस दोनों हो रहा होता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को ये देखना चाहिए, सीरीज अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो यानी प्लस होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, 12 से 24 हुआ, 24 से 72 फिर 288, यानी कि ये बहुत तेज़ी से सीरीज आगे बढ़ रही, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई या क्यूब या स्क्वायर हो रहा होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 12 से 24 हुआ यानी 12 इंटू 2 यहाँ पे, फिर 24 से 72 हुआ तो 24 इंटू 3, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, फिर 72 से 288 हुआ तो 72 से 288 को 72 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा, फिर 288 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर अगली बार 3 से, फिर 4 से अगली बार, फिर अगली बार किससे करना पड़ेगा, 5 से, एक एक डिजिट बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही। तो 288 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 8 40, 5 8 40 4 44, 5 2 10 4 14, ये 1440 आ गया। तो 1440 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 7 है, फिर 15 है, 31 है, फिर 63 है, तो इसमें भी देखिए 3 से 7 हुआ, 15 फिर 31 फिर 63, यहाँ पे तेज़ी से सीरीज आगे बढ़ रही है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे 6 में एक और जोड़ा गया है तो इंटू 2 प्लस 1 हम लोग कर रहे हैं, फिर 7 से 2 में गुणा करेंगे, 7 2 14 और उसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो यहाँ पे भी इंटू 2 प्लस 1, तो इसी तरह से इसमें भी हो रहा है, 15 2 30 31 इंटू 2 प्लस 1 और 31 दूना होता है 62 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 62 और 1 63 हो गया, तो यानी इसको भी हम लोग 63 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें एक जोड़ देंगे, तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 126 और 126 में एक हम लोग और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 127। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 127 ए है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसमें एक व्हील दी गई है और इसमें एक सीरीज है 20 36 68 132 260, फिर अगला क्वेश्चन मार्क है, उसमें बताने हैं कौन सा अगला अंक होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं, 20 से 36 हो गया
और 36 से कितना हुआ 68, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 20 और 36 में कितने का डिफरेंस है, 20 में 16 जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, तो 20 प्लस 16 हो गया 36, और 36 से 68 होने के लिए 36 में 32 जोड़ेंगे प्लस 32 तो 68 हो जाएगा, फिर 68 से हो गया 132, यानी कि कितने का डिफरेंस है 68 में हम लोग 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 132। तो यहाँ पे देखिए 16 जोड़ा गया, फिर 32 जोड़ा गया, फिर 64 जोड़ा गया, यानी कि हम लोग दो गुना करके जोड़ते जा रहे हैं, 16 32 64, तो 64 का दो गुना कितना होता है, 64 का दो गुना होगा 128, तो यानी कि अगला 128 जोड़ा गया होगा, जी हाँ 132 में आप 128 जोड़ेंगे तो ये 260 होगा। तो अब हमें अगला जो है क्या जोड़ना होगा, 128 का अगर हम दो गुना जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो नंबर्स आएगा, जो नंबर्स आएंगे वो ऑप्शन में दिए गए नंबर्स से बहुत ज़्यादा होगा, तो यानी कि सीरीज यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रही है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे 16 जोड़ा गया था, तो यानी कि इस सीरीज में यहाँ पे जो अंक है उसमें 8 जोड़ देंगे तो 20 आएगा, तो किस में हम 8 लोग 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, हम लोग अगर 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 आएगा, तो यानी कि सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई थी, 12 में 8 जोड़ा तो 20 हुआ, 20 में 16 जोड़ा तो 36 हुआ, 36 में 32 जोड़ा तो 68 हुआ, 68 में 64 जोड़ा तो 132 हुआ, और 64 में 128 जोड़ा तो 260 हुआ, और यहाँ पे सीरीज ख़त्म हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये खाली स्थान पे 12 आया है तो 12 बी ऑप्शन है, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे वी एक्स जेड है और फिर है जे एल एन, तो इनमें और इनमें जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें होना चाहिए, तो निकालते हैं हम लोग। देखिए वी वी से हो गया जे, तो वी कितने नंबर पे है आप देखिए 22 पे है, और जे कितने नंबर पे है 10, तो कितने का डिफरेंस है 22 और 10 में 12 का, तो बी से जेड तक आने में -12 हो गया, और एक्स से एल हो गया, एक्स कितने नंबर पे है 24 पे, और एल कितने पे 12 पे, तो यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस है, यहाँ भी 12 का डिफरेंस है, जेड से एन हो गया, जेड 26 पे है और एन है 14 पे, तो 14 और 12 26 होता है, यहाँ भी 12 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देखिए इधर के अल्फ़ाबेट्स और इधर के अल्फ़ाबेट्स में 12 का डिफरेंस होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जी से 12 के डिफरेंस पे जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो जी की जगह पे होगा, यानी पहले स्थान पे, तो जी कितने नंबर पे 7 पे, तो यहाँ से 12वें नंबर पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ए 6वें नंबर पे आया उसके बाद ख़त्म हो गया, तो यहाँ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर से हमें यहाँ से शुरू करना है 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे पहले नंबर पे हो जाएगा यू, और फिर है आई, आई है 9 नंबर पे, और फिर यहाँ से 12 अंक पीछे माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि W, और फिर है K, तो यहाँ से 12 माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो Y आ गया, तो यानी कि इसका आंसर होगा Y, सॉरी UWY, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 27 है और फिर 3 है, फिर 873, उसके बाद क्या होगा, तो 27 और 3 में जो संबंध है वही 873 और ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें होगा, तो देखिए 27 और 3 में क्या संबंध है, तो 3 27 का क्यूब लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो अंक होगा उसका ये 873 क्यूब होना चाहिए, लेकिन 873 तो किसी का क्यूब होता नहीं है,
दोस्तों आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप 1 से लेकर के 15 तक स्क्वायर और क्यूब रट डालिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये इस क्यूब होगा इसमें कि या नहीं होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 है, लेकिन 873 का किसी का भी क्यूब नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे लॉजिक नहीं लगेगा। और 27 और 3 में और क्या संबंध हो सकता है? 27 को अगर 9 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 9 27, तो यानी कि 873 को अगर हम 9 से भाग कर दें तो जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा। तो 873 को हम लोग 9 से भाग करते हैं। तो 9 9 81 बचा 6 3 9 7 63, तो ये हो गया 97। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से भिन्न विकल्प चुनिए। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, इसमें से जो असमान है या भिन्न है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक्स है, वाई है, एच और डी, तो इसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो इनका हम लोग देखते हैं ये कौन कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि एक्स है, एक्स किस नंबर पे आ रहा है? 24 नंबर पे। और वाई किस नंबर पे आता है? 25 पे। एच किस नंबर पे आ रहा है? एच आ रहा है 8 पर। और डी डी किस नंबर पे आ रहा है? ये 4 पे आ रहा है। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स और एच और डी ये जिन नंबरों पे आ रहे हैं वो सभी नंबर सम है, जैसे कि एक्स और वाई सॉरी एच इसके ऊपर 8 है और डी डी 4 पे आ रहा है, और लेकिन वाई जो है ये 25 नंबर पे आ रहा है। तो सभी के नंबर सम है लेकिन वाई का नंबर जो है विषम है, इसलिए यहाँ पे भिन्न विकल्प कौन सा हो जाएगा? वाई, इसका बी ऑप्शन सही हो। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 12वां, इसमें भी भिन्न विकल्प को चुनना है। तो इसमें ऑप्शन हैं ताप, बल्ब, प्रकाश और विद्युत, तो इसमें कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा दोस्तों? तो इसमें देखिए बल्ब एक वस्तु है, ताप, प्रकाश, विद्युत ये वस्तु नहीं है, इन्हें आप केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन बल्ब है वो वस्तु है, आप उसे छू सकते हैं। तो बल्ब इनमें से भिन्न है। उसमें दिया गया है महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, वो राजू से 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? तो इसको निकालना है हमें, पहले आप खुद निकाल लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो निकालते हैं, सबसे पहले हम सबकी आयु निकाल लेंगे। तो महेश की आयु है 60 वर्ष, महेश की है 60 और राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष छोटा है तो यानी 55, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है यानी राम से 4 साल छोटा है, तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी? 51। और राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, वो राजू से 6 वर्ष छोटा है, तो राजू का जो भाई है वो बाबू है, वो राजू से 6 वर्ष छोटा है, यानी राजू 51 साल का है तो इससे 6 वर्ष छोटा कितना होगा? 45। तो अब पूछा गया है महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है, तो महेश की आयु है 60, बाबू की है 45, तो 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 15, यानी कि 15 वर्ष इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? तो प्रश्न आकृति ये है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके सामने ये मिरर है, तो
इस मिरर में इसका प्रतिबिंब कैसा आएगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसमें ऊपर या नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, जो चीज़ नीचे है वो नीचे ही रहेगी। जैसे कि वाटर इमेज में होता है कि ऊपर की चीज़ नीचे हो जाती है, नीचे की चीज़ ऊपर हो जाती है, लेकिन मिरर इमेज में ऊपर की ऊपर ही रहेगी, नीचे की नीचे, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, जो चीज़ दाई तरफ होती है वो बाई तरफ हो जाती है और जो बाई तरफ होती है वो दाई तरफ हो जाती है। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है जो कलर किया हुआ है, तो ये वाला अभी किस तरफ है, बाई तरफ, ये दाई तरफ होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में किसमें दाई तरफ है, तो इसमें दाई तरफ दिख रहा है, लेकिन ये तो गलत है, ये त्रिभुज ऐसे है और ये तिरछा हो गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और दाई तरफ किसके हैं, ये है, इसमें नहीं है, नहीं इसमें है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसमें ये देखिए दाई तरफ है तो ये इधर बाई तरफ आ गया, बाकी ये ऊपर था तो ऊपर ये भी है, बस बाई से दाई तरफ हो गया है और दाई से बाई तरफ हो गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, ये भी मिरर इमेज का है, इसमें देखिए ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृतियाँ हैं, तो उत्तर आकृतियों में से चेक करके हमको बताना है कि कौन सा इस प्रश्न आकृति का मिरर इमेज होगा। तो यहाँ पे हम लोग को यही देखना है कि जो दाई तरफ चीज़ें हैं वो बाई तरफ हो जाएंगी, तो जैसे ये पॉइंट है ये किधर की तरफ होना चाहिए, अभी ये बाई तरफ है तो दाई तरफ होना चाहिए, तो इसमें देखिए इसमें दाई तरफ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें ये नीचे आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहेगी, बस दाई से बाई हो जाएगी या बाई से दाई हो जाएगी, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये डॉट जो है बाई तरफ है और यहाँ दाई तरफ हो गया, तो ये सही हो सकता है। इसमें देखते हैं तो इसमें ये बीच में हो गया तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें और भी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, ये डॉट दाई तरफ हो गया, ये स्टार दाई तरफ था, दाई तरफ से ये बाई तरफ आ गया, और ये वन जो है उल्टा होकर के पहले बाई तरफ था तो ये दाई तरफ हो गया, और टू ये उल्टा होकर के बाई तरफ हो गया, पहले ये दाई तरफ था, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस सॉल्व किए, आपने भी सॉल्व किया होगा और उम्मीद करता हूँ आपने भी सही सॉल्व किया होगा। तो इसी तरह से हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, 15 15 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करेंगे, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी डेली प्रैक्टिस कर सकें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि टेस्ट सीरीज जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।